फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिंदा जेनी। और आज हम करने वाले हैं मेकअप ट्यूटोरियल का वीडियो। तो जैसे मुझे एक ने बुलाया था एज अ मॉडल करके, तो वो बिगनर ही है, उन्होंने मीन्स अभी अभी स्टार्ट किया है उनका मेकअप जो भी है कोर्स। तो उनको मॉडल चाहिए थी और उन्होंने मुझे बुलाया, वो मेरी फ्रेंड ही है। तो हम जाने वाले उनके घर पे, तो मेरा फुल लुक है जो भी मीन्स वो जो वीडियो मेकअप करने के बाद जो मेरा फुल लुक आने वाला है, तो मैं आपको वो दिखाऊंगी। और वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्लीज़ देखना गाइस, आपको बहुत अच्छा लगेगा और जो मेरा लुक निकल के आएगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो प्लीज़ देखना और मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो मेरा। तो प्लीज़ गाइस चलो। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. We'll go through. Hey guys, तो अभी ये स्टार्ट हो गया है और दीदी अभी मेरे चिकने चुपड़े थोबड़े को खराब करने वाली है। झूठ बोल रहा है। अभी ये फेस टोनर दीदी ने मेरे फेस पे छिड़का है और अभी हवा खाने का टाइम है। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। दीदी ऐसे ही हवा देती रहे मुझे जिंदगी भर का लग रहा था। जो टोनर था उससे तो ये पंखे के वजह मेरा फेस ठंडक मिल रही थी। ओहो, बस करो दीदी, और कितना चमकाओगी मुझको। जैसे मैंने बोला था दीदी जिंदगी भर मुझको हवा देने वाली है, तो वही कर रही है। दीदी रुक मत, तो रुको मत दीदी। दीदी बीच बीच में देख रही मेरा फेस ना जगह पे है ना, ये मैंने आँख खोल ली है, मैं भी देख रही हूँ कि मेरा फेस जगह पे है, थैंक गॉड। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपया कट ओवर है। सांस मिली, चलो मैं सो जाती हूँ। ये कुछ मॉइस्चराइजर, दीदी ने सोच लिया है कि वो मेरा चमका के रहेगी, तो दीदी इतनी मेहनत कर रही है। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का से दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। ओहो दीदी, इतना प्यार से तो मैं भी नहीं लगाती जितना आप प्यार कर रहे हैं मेरी शक्ल से। आपको इतनी अच्छी लगी क्या मैं? हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये सब कब खत्म होगा? तो ये कंसीलर से तो मेरी आंखें बहुत ही उभर के दिखेंगी। तो अभी ये स्टार्ट कर रही है दीदी। दीदी देख रही है कि लगाओ कि नहीं लगाओ, कितना लगाओ। तो ये दीदी ने लगाना स्टार्ट कर दिया। दीदी एकदम नाप के लगा रही है। ओह, ये तो पूरा मेरा मुंह पेंट करने वाली है ऐसा लग रहा है। और मैंने भी सौंप दिया है उनको अब कि कर लो जो तुमको करना है। वाह दीदी, इतना बारीकी से काम कर रहे हो। दीदी लाइन पे लाइन मारे जा रही है।
इतनी बना दिया। ओ दीदी, ऐसी शक्ल लेके मैं बाहर चली जाऊँ तो लोग डर जाएंगे मेरे से। वाह भाई, ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। इतनी वाइट हो गई मेरी आंखें, इतनी चमक रही है। सोच रही हूँ ऐसा आईलाइनर लोज लगाऊं। मेरी आंखें इतनी प्यारी दिख सकती है, मुझे पता ही नहीं था। ऐसा लग रहा है मैं सो जाऊं और बस दीदी मेरा फेस चमकाती रहे। दीदी मुझे हिलने तक नहीं दे रही थी गाइस। मैंने इतना एक घंटा कैसे बिताया मुझको पता है। ले 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 ले। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती नहीं, नहीं, मेरी गलती नहीं, है। नहीं, 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 मेरी गलती है। वाह भाई, ये मैं कुछ सोने के पोजीशन में। दीदी यहाँ जाओ, किधर हो आप? मेरा थोबड़ा चमका हुआ आ गई। दीदी क्या लगा रहे हो? दीदी दीदी स्पंज से मेरी आंखें अंदर ढकेल रही है। तो गाइस ये वीडियो आधा ही मैंने शूट की है क्योंकि दीदी मान ही नहीं रही थी। दीदी ने बोला कि वीडियो मत निकालो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। पर दीदी को मैंने बोला प्लीज़ दीदी मुझको वीडियो निकालने दो, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको मैंने वादा किया है कि मैं उनको मेरा फुल मेकअप ट्यूटोरियल दिखाऊंगी। दीदी प्लीज़ दीदी, मैंने हाथ पैर जोड़े दीदी के सामने, तब जाके दीदी मानी है, थैंक गॉड। तो अभी जो मेरा आधा मेकअप हो चुका है गाइस, तो अभी उसके बाद का जो मेरा ये मेकअप है, फिर भी दीदी बीच बीच में आके मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने बोला जो भी है जाने दो, अभी जितना दिख रहा है उतना तो दिखने दो। तो प्लीज़ गाइस ये आप देख लो, अभी मैं भी कुछ नहीं कर सकती गाइस प्लीज़। मैंने दीदी के पैर पकड़ लिए थे पर दीदी गिरी नहीं, दीदी ने हाँ नहीं बोला। तो मेरा आई मेकअप हो चुका है, फाउंडेशन लग चुका है, कंसीलर लग चुका है, इतना सब हो चुका है, फिर भी दीदी वीडियो निकालने नहीं दे रही है। तो आप आधा ही देख लो गाइस प्लीज़। और लास्ट में जो मेरा मेकअप जो खुल के दिखने वाला है, जो मेरा है वो इतना चमकने वाला है, उसको आप प्लीज़ देखना। तो ये पूरा फेस से लेके नेक तक दीदी मेरे फेस और नेक को पूरा चमका रही है। दीदी बहुत मेहनत ले रही है गाइस, पूरा मुझे भूत बना डाला है दीदी ने। मैंने कभी इतना गोरा, मैंने खुद को अपने आप को कभी नहीं देखा था। ये तो फेयर एंड लवली से भी अच्छा क्रीम लग रहा है। तो लास्ट में मैं दीदी से पूछने वाली हूँ कि ये कौन सी क्रीम है, मुझे रोज़ लगानी है ताकि मैं रोज़ ऐसे चमकूँ। तो फाइनली गाइस दीदी बाजू में हट के मेरे मेकअप में आ गई है क्योंकि उनको भी पता है कि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ जोकिंग। तो ये अभी मेरा फाउंडेशन और कंसीलर पूरा मेरे फेस पे लग चुका है और मेरे लिप भी दिखाई नहीं दे रहे। वाह भाई, ऐसी चिकनी शक्ल मैंने मेरे लाइफ में नहीं देखी मेरी। तो मन ही मन में मैं खुश होके अपने आप को ऐसे देख रही हूँ। ओहो क्या बात है दीदी, कहाँ गई आप? दीदी आ जाओ। तो दीदी और फाउंडेशन लेके आ गई। दीदी बस करो, कितना गोरा करोगे आप मुझको? दीदी पूरा मेकअप मेरे फेस पे थोप रही है, पूरा पेंट कर करके
पूरी वाइट हो चुकी हूँ गाइस, फिर भी दीदी बाज नहीं आ रही है। दीदी करे जा रही है, पेंट करे जा रही है। देखते गाइस अभी मॉडल बनी हो तो मुझे दीदी को सौंपना ही पड़ेगा अपने आप को। तो कर लो नहीं आप कर लो पहले, लास्ट में मैं देखूंगी रिजल्ट, वो तो शायद से अच्छा ही आने वाला है क्योंकि मैंने बहुत मेकअप देखे हैं। तो उसमें स्टार्टिंग में पहले बहुत ही लगते, पता नहीं कहाँ से लास्ट में इतना सुंदर लगने लगते। तो हम भी शायद से ऐसे ही हो जाएंगे। तो मन ही मन में मैं खुद को दिलासा दे रही थी गाइस कि मैं भी शायद से ऐसी ही लगूं। हे भगवान। तो जैसे कि गाइस आप देख रहे हो कि दीदी बहुत मेहनत ले रही है मेरा थोबड़ा चमकाने के लिए, तो प्लीज़ गाइस दीदी के लिए, एटलीस्ट दीदी के लिए, मेरे लिए नहीं, दीदी के लिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना गाइस प्लीज़। तो ये दीदी फिर से वीडियो के बीच में आने की कोशिश में हंसे जा रही है और मुझको भी हंसा रही है, पर मैं क्या करूं, मुझे मजबूरी में हंसना पड़ रहा है गाइस। ये लिप बाम इतने वाइट होठों पे लिप बाम लगा रही है दीदी, ये दीदी कुछ पड़ कर रही है। मेरा तो मन कर रहा था गाइस कि मैं जल्दी से यहाँ से उठ के भाग जाऊँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट मॉडल शूट था, तो मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था कि इसमें क्या करना रहता है। फिर भी मैं भूत जैसे बैठ के वेट कर रही थी कब मेरा फेस चमक जाए, कब मैं सुंदर लगूँ, कब मैं अपने आप को हर मॉडल के तरह देखूं। तो उसी उम्मीद पे मैं बैठी रही इतने मिनट तक। एक्चुअली ये वीडियो मैंने 16 मिनट का बनाया पर असल में एक घंटे से ज़्यादा मैं बैठी हूँ क्योंकि बहुत मेहनत लगती है गाइस ये मेकअप करने में, ऐसा मेकअप करने में। तो ये फिर से मेरे मुंह पे कंसीलर लगा दिया है दीदी ने, लगता है दीदी को मेरी आंखें बहुत काली लग रही है गाइस। तो दीदी मेरी आंखें फिर से गोरे कर रहे हैं। ये मजबूरी में मैं देखती हुई गरीब कि कब दीदी ये खत्म करे, कर दो ओ दीदी यार। जिंदगी में मैंने ऐसा कभी नहीं किया मेकअप। ओ दीदी कर दो, ओ दीदी आप रुके क्यों हो, कर दो दीदी कर दो। ये दीदी क्या कर रही है, क्या निकाल रही है, कंसीलर उनका ब्रश अटक गया था गाइस। यार मेकअप करते टाइम भी ऐसा जोक हो जाता है तो हंसने का भी मन नहीं करता क्योंकि इतना मेकअप जो थोप के रखा है फेस पे कि मैं हंस भी नहीं सकती। वैसे इतनी गोरी होके प्यारी तो लग रही हूँ मैं। ओहो तब ये दीदी मेरे मुंह पे स्पंज से थूकती हुई पूरा पेंट बोर्ड कर दिया है गाइस मुझे।
पूरा मुझे पेंट बोट कर दिया है, पूरा पेंट के जैसे मेरे मुंह पे मेकअप थोप दिया है, और ऊपर से ये दीदी हंस रही है। वाह भाई वाह, किसी के मजबूरी का ऐसा फायदा उठाती हुई दीदी। तो हे गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक, और जो मेरा मेकअप करने के बाद जो मेरा फाइनल लुक है, और उसमें से कोई ये फोटो। तो आपको मेरा ये लुक कैसा लगा और वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट करके बता देना, और लाइक बोलना गाइस, प्लीज़ प्लीज़। मैंने बहुत मेहनत की है ये वीडियो बनाने के लिए। मैंने देखा ही रहेगा कि दीदी मुझे वीडियो बनाने ही नहीं दे रही थी, जब भी मैंने बनाया है। तो प्लीज़ गाइस, लाइक और सब्सक्राइब करना मुझे प्लीज़।